यहाँ से जो आप लोग ये देख रहे हैं ये सिर्फ एक प्लेट रिमूव करना होता है, वो सामने जो देख रहे हैं वो प्लेट खोल के निकालने के बाद इस तरीके का हमारा ये होता है। ये डिस्चार्ज लाइन का पूरा सेटअप है और ये लिक्विड लाइन है जो हमारे ऑपरेटर में एक्सपेंशन वाल्व में वापस जाता है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी RTAF चिलर है ट्रेन का, तो उसका कंडेंसर हम लोग कैसे चेंज करते हैं, अगर कोई लीक हो गया तो क्या प्रोसेस होता है, किस किस स्टेप से हम लोगों को गुजरना पड़ता है, तो ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है तो आप लोग कैसे काम करेंगे। जो हमारे भाई नहीं भी जानते हैं काम, उनके लिए भी ये फायदे की वीडियो है, क्यों उनको भी ये मालूम चलेगा कि अगर आगे चल के उनके साथ हो गया तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, या जो हमारे भाई टेक्नीशियन काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये काम का वीडियो है, या जो काम कराने वाले हैं उनके लिए भी ये काम की वीडियो है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी जरूरत हो। और अगर आप चाहें तो अपने चैनल पे मेरी वीडियो को पोस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूं कि कैसे हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमारा चिलर है ये नजदीक से मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये हमारा चिलर देखें आप लोग, ये इसका मॉडल नंबर देख लें यहाँ पे RTAF 310 है। ये देख लें यहाँ पे RTAF 310, मतलब 310 टन का ये चिलर है। उसके अंदर तीन सर्किट है, तीन कंप्रेसर है। तो अगर आपको लगता है इसके अंदर लीक हो गया, गैस सारी निकल गई, फिर तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन सिस्टम बंद करके। और अगर आपको लग रहा है कि माइनर लीक था, गैस इसके अंदर है, तो आपके पास दो तीन ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो गैस को रिकवर कर लें, रिकवर करना बेस्ट ऑप्शन है। आप चाहें तो गैस को रिकवर कर लें और उसके बाद आप अपना कंडेंसर खोल लें। खोलने का प्रोसेस अभी मैं बताता हूँ। और अगर आपके पास गैस है, माइनर लीक था, कुछ था, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एवोपरेटर में गैस को वापस ले सकते हैं, मतलब पंप डाउन कर सकते हैं एवोपरेटर के अंदर। उसके लिए कैसे करते हैं एवोपरेटर में, मैं अलग से आके आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी ये हो गया हमारा कि आपको सबसे पहले सिस्टम को ऑफ कर देना है और गैस को रिकवर कर लेना है, या फिर आपको गैस को पंप डाउन कर देना है। ये जो आप देख रहे हैं तो ये सेम मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी ऐसा ही था, सेम यहाँ पे हमने ये देखिए कंडेंसर ये दोनों निकाल दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से एग्जांपल बताऊंगा ताकि समझ में आए। तो ये दो कंडेंसर हम लोगों ने निकाल दिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका जो प्लेट लगा हुआ है, यहाँ से ये खोल के हमने निकाल दिया। निकालने के बाद यहाँ पे सिर्फ दो डंडा रह जाएगा, ये देखिए दो ऐसा ये रह जाएगा, इसके ऊपर लगा हुआ रहेगा, इस तरीके से ये लगा हुआ रहेगा यहाँ ऐसे, यहाँ पे ये अंदर लगा हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पे लगा हुआ होगा कंडेंसर इसके अंदर होगा। तो हमने क्या करना है, इसको ये देखिए फ्लावर एलन की वगैरह इसमें यूज करना पड़ता है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कंडेंसर के साइड में जो वहां देख रहे हैं आप लोग, इसका जो साइड का वो रो है उसके अंदर, ये कंडेंसर का जो साइड का एरिया है वहां पे ये लगा हुआ होता है, उसके अंदर ये लॉक हुआ होता है और यहाँ से लॉक होता है। तो हमको स्क्रू जो फ्लावर एलन की वगैरह खोलने के बाद सबसे पहले इसका लॉक रिमूव करना पड़ता है, तब ये बाहर आएगा। यहाँ से लॉक रिमूव करके और इसको बाहर खींच कर निकाल देना है, दोनों तरफ ये खाली हो जाएगा। फिर क्या करना है, ये कॉर्नर पे आप देख रहे हैं जो, क्योंकि कंडेंसर निकालने में प्रॉब्लम करेगा, कॉर्नर पे यहाँ पे जो एक हमारा ये था, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है ये कॉर्नर पे सपोर्ट, इसको हम लोगों ने ऊपर से खोल के नीचे तक इसको निकाल देना है, बाहर हमने निकाल दिया। उसके बाद क्या करना है, कंडेंसर को आप लोगों ने थोड़ा सा ऊपर पुश करना है। यहाँ जो आप लोग ये देख रहे हैं फोम है इसके ऊपर, ये फोम की वजह से ये थोड़ा ऊपर चला जाता है इसको निकालने के लिए। तो यहाँ से थोड़ा ऊपर करेंगे तो इस लॉक यहाँ पे कंडेंसर इस तरफ आ जाएगा और निकाल के इसको बाहर स्लाइड करके खींच सकते हैं। और यहाँ से आप खींचेंगे कब, खींचने के से पहले आप लोगों को वहां पे नट बोल जो है इसके, जो वहां पे इसके ग्लैंड है, उसको आपको ओपन करने होंगे। यहाँ से जो आप लोग ये देख रहे हैं ये सिर्फ एक प्लेट रिमूव करना होता है, वो सामने जो देख रहे हैं वो प्लेट खोल के निकालने के बाद इस तरीके का हमारा ये होता है। ये डिस्चार्ज लाइन का पूरा सेटअप है और ये लिक्विड लाइन है जो हमारे ऑपरेटर में एक्सपेंशन वाल्व में वापस जाता है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जैसे टाइट हुआ है, ये देखिए यहाँ पे टाइट है, इस तरीके से ये टाइट होगा तो इसको ढीला करके यहाँ से निकाल लेना है। इसको कनेक्शन हमारा जो पाइप पे, जैसे हम लोगों ने ये निकाल दिया तो ये पाइप हमने निकाल देना है। पाइप निकालने के बाद तब हमको उधर पुश करना है, जो कंडेंसर है उधर हमने इसको पुल करना है, मतलब खींचना है। वो खींचने के बाद हमने ये दोनों कंडेंसर निकाल दिया है और इसी तरीके से हम लोग नया कंडेंसर भी इसमें इंस्टॉल कर देंगे। और नया कंडेंसर इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वाशर टाइप का गैस्केट आता है, वो गैस्केट आप लोग जरूर चेंज करें, क्योंकि ये हीट होता है, अक्सर कंडेंसर हीट होता है ना, तो उसका जो टेम्परेचर होता है 120
फरनहाइट होता है, तो उससे क्या होता है कि ये अगर आप लोकल या वैसा कुछ लगाएंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए आप लोग चेंज कर दें, अच्छा ब्रांड का लगाएं, कंपनी का ओरिजिनल लगाएं, वो बेहतर रहेगा। और ये स्टड वगैरह यहाँ से पुराने कंडेंसर से रिमूव कर लें और नए में लगा दें। और नया कंडेंसर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सामने रखा हुआ है, सारा कंडेंसर हमारा रेडी है, हम इसको फिक्स कर देंगे इसके अंदर। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे इसको हम लोग रिमूव करेंगे, इसी तरीके से हम लोग इसको फिक्स भी करेंगे। और जो हमारा गैसकेट वॉशर है उसको भी चेंज करेंगे, प्रॉपर वे में काम करना है क्योंकि बाद में लीक ना हो। जब ये फिक्सिंग हो जाएगा, जब हम नया कंडेंसर इधर डाल देंगे, फोम वगैरह सब कुछ लगाने के बाद, तब हमने क्या करना है, इसका नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट करना है। नाइट्रोजन से हम इसका लीक टेस्टिंग करेंगे ताकि बाद में लीक ना हो जाए। वो लीक टेस्ट वगैरह सब कुछ जब फाइनल हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, इसको वैक्यूम करना है। अगर हमारा पूरा गैस खाली है तो हमने सारे सिस्टम को वैक्यूम करना है, अच्छे तरीके से वैक्यूम करना है। उसके बाद हमने इसमें गैस चार्ज करना है। गैस चार्जिंग अकॉर्डिंग टू मॉडल नंबर, जो हमारे चिलर का मॉडल नंबर है कितने टन का है, उसके हिसाब से गैस की जो गैस का जो वेट होगा, क्वांटिटी होगी, उसके उसके उस पर डिपेंड करता है। तो वहां से फिर आप लोगों को गैस चार्जिंग करना है। और अगर आपने स्टोर किया है ऑपरेटर में इसका गैस, तो आप सिर्फ कंडेंसर एरिया जो हमारा है उसको आप लोग वैक्यूम कर सकते हैं और गैस चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम हर काम बहुत इजी होता है, हर काम बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए आप लोग प्रॉपर ट्रेनिंग ले लें, किसी सीनियर के साथ रह के सीख लें, आप कहीं से कोर्स कर लें और किसी एक्सपर्ट से या फिर ट्रेनिंग ले लें, तो इस तरीके से आप लोग काम करें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और ऐसे ही हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन में क्लिक करके सेलेक्ट करें, ताकि मैं जब भी कोई अपडेट करूं, अपडेट लाऊं, कोई भी वीडियो लाऊं, तो आप लोगों तक तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि क्या पता उनको भी इसकी जरूरत हो, ज्यादा ज्यादा लोग तक पहुंचे। जो भाई हमारे जॉब की तलाश में है, जो भाई हमारे काम सीखने की तलाश में है, और जो भाई हमारा हमारे ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं, मतलब उनको ट्रेनिंग लेना है, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। इसलिए आप लोग जरूर शेयर करें और चाहे तो अपने चैनल पे भी मेरे वीडियो को पोस्ट करते रहें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।